press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं सैल्यूट करता हूं क्योंकि अगर आप लोग हो तो मैं हूं, अगर आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं। नहीं, सलमान साहब तो मेरे गुरु है, क्योंकि सलमान जी को देख के मैं यहां पे आया हूं। वो मेरे बड़े बड़े भाई है, मेरा गुरु है, और वो तो बड़े है लेकिन उसकी पूरा अपोजिट क्या यार बन रहा है उसमें पब्लिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा मान मिले, सम्मान मिले, और हमारी मैडम जो पहली बार जो बनाना चाह रही है तो उनको भी मान सम्मान मिले, एक महिला होते हुए जो ये कदम उठाएंगे लोगों को ज्ञान मिले, इस हिसाब से मैडम का ये होना चाहिए कि उनका भी मान सम्मान बढ़े फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। बाकी बिग बॉस सलमान खान का और हम लोग जो बना रहे हैं तो उसके मतलब कंपटीशन तो नहीं करेंगे लेकिन उनके तुलना से कुछ तो आगे बढ़े। और कल्याण जी जाना तो हम लोग 15 साल से जानते हैं और वो शुरू से लेके आखिरी तक रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज आगे बढ़े। हम लोग छोड़ दिए इसलिए थोड़ा हम लोग अपने साइड से हैं। सर आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और इंक्यू करना चाहूँगा सारे जो भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे हैं। और उसके साथ में मैं कहना चाहूँगा सर, ये जैसे अभी बात हो रही थी कि बिहारी बिग बॉस क्या है, तो इट्स टोटली डिफरेंट विद द रियल बिग बॉस, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ टोटल कॉमेडी कॉन्सेप्ट। सो डेफिनेटली हम बहुत रॉक करने वाले हैं इन कॉमेडी सेंस। और अभी एक बीच में कुछ लोटे को लेकर आया था कि हमारे कॉन्सेप्ट में बंदा कैरेक्टर लोटा लेके बाहर जाता है, तो सर वो लोटा लेके जाता है बट वहाँ पे एक सफाई वाली बात है कि वहाँ पे जैसे स्वच्छता अभियान, तो जो बंदा होता है उसको माली भगा भी देता है कि भाई यहाँ पे ये कोई जगह नहीं है। सर दिस इज
और कॉन्सेप्ट भी हमने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, और उस बाद हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी दुआएं, सभी लोगों का प्यार मिले, ये कॉन्सेप्ट हमारा इतना वर्ल्ड पॉपुलर हो कि हम लोग यहाँ से अर्श से सॉरी फर्श से अर्श पे चले जाएं। ये तो सारे जो भी यहाँ पे मौजूद है, और ये जो बिहारी बिग बॉस है तो इसमें फुल कॉमेडी है, ये फुल फनी है, देखेंगे तो बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमेडी है, फुल कॉमेडी है। और मैं चाहूँगा कि आप तो मैं सबसे पहले मीडिया को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हर वक्त आप लोग ऐसे हमें हम लोगों को हाईलाइट करते हैं, इसलिए मैं फिर से दोबारा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहली बात मेरे दोस्त कल्याण जी का, रिम्पी जी का, और रिम्पी जी का मैं सब वैसे सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और चलिए आइए, इन्होंने कहा कि बिग बॉस, बिहारी बिग बॉस, तीनों बिग बॉस और चौथा बिग बॉस, चौथा बी, तीनों बी और चौथा बी, मतलब बिहारी बिग बॉस और बी आशीष, मतलब चौथा बी का नमस्कार। बी तो है, बी हां हां, बी जाना है, बी जाना है, बी वाह वाह। अरे आप कल्याण जी सुना दो, कुछ सुना दो, जल्दी जल्दी से आओ, टाइम पास नहीं। अच्छा, अभी अभी किसी ने सवाल पूछा था, अभी किसी ने सवाल पूछा था कि ये शो का नाम बिहारी बिग बॉस, अब किसी ने पूछा था कि बिहारी बिग बॉस क्यों है, क्या है, ठीक है। अगर मैंने कल्पना की, अगर बिहारी बिग बॉस का जो ये सवाल है, अगर आपने लालू जी से पूछा था, लालू जी क्या कहते हैं, कैसे बताइए, लालू जी बताइए कि ये बिहारी बिग बॉस है, इनके बारे में क्या कहेंगे, ए पगला फक, क्या कहेंगे, ए शो का नाम है बिहारी बिग बॉस, और लेकिन ये कौन से चैनल पर, चैनल का है बिहारी आदमी दबंग होता है, इसलिए सारा दबंग चैनल पर ही आएगा। कि आप चलिए हमारे साथ, आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, सभी लोगों ने अपना काम बड़े ईमानदारी से करने की कोशिश की। कॉमेडी कुछ बोलिए, कुछ कॉमेडी बोल दीजिए, पिक्चर क्या, मुझे ऐसा रोल मिल गया है, एक ही लैला है, जितने भी करेक्टर हैं, चार पांच करेक्टर हैं, सभी लोग उसको पटाने के चक्कर में रहते हैं, और मेरी एंट्री होती है तो ऐसे होती है, तो इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं उसको पटाने के लिए, जो जो काम मिलता है हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उसका अंदाज कॉमेडी में होता है, जो भी चीज़ें होता है। क्या कहना चाहिए आपकी, एक सीन था कि हमारे होस्ट ने, जो कल्याण जी कर रहे हैं, होस्ट ने कहा कि लैला को जो हंसा देगा, लैला उसको किस करेगी, तो सबने कोशिश किया, नहीं हुआ, लेकिन वो ठरकी ने हंसा दिया, और उसके बाद लैला ने एक प्यारा सा यहाँ पे किस दिया। तो ये चारे जो करेक्टर थे, चारों जो और करेक्टर थे, इन लोगों ने सोचा लैला का किस तो मुझे नहीं मिला, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ से किस लेने की कोशिश की, और मुझे उठा के पटक करके पूरा वहाँ से किस जो है लेकर के शुरुआत किया है, भगवान के आसान किया। आपको लगा था कभी शो बना पाएंगे उस तरह का? ऑफकोर्स, क्यों नहीं, उन्होंने किया है काम, करेंगे आगे भी, करेंगे अभी भी करेंगे, और पटक जाएंगे, जिसका मन साफ होता है वो सब आगे बुलेटिन जाते हैं, ऊपर ही जाते हैं। थैंक यू सर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, तो मैं उनका जीजाजी लगता हूँ, सही है, मैं भगवान चोपड़ा वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि आगे तक बड़े और उसका नाम रोशन होए। ओके, कभी आप आएंगे क्या बिहारी बिग बॉस? नहीं, 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 देखेंगे प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।